हेलो एंड वेलकम टू द आशीष मैथ स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स 18th जनवरी एंड 2020 का जो है वो करेंट अफेयर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा जो भी आपका इम्पोर्टेंट जो करेंट अफेयर है उसके बारे में। और यहाँ पे जो है आपको क्लासेस जो है ये करेंट अफेयर जो है वो यूपीएससी 2020 एंड 2021 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। और ये करेंट अफेयर जो है तो यहाँ पे मैं जो दो जो भी आपके मीडिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जो यूपीएससी परस्पेक्टिव्स के लिए ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो दोनों टॉपिक्स को मैं यहाँ पे दोनों एक पेपर और ये जो है आपके सोशल मीडिया जो आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसको मैं कवर करूँगा। और साथ ही साथ जो भी आपका एक और पेपर है इंडियन एक्सप्रेस जिसको उसके भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीज़ को मैं यहाँ पर कवर करूँगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है वो सारे चीज आपके कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और क्लास को और मजेदार बनाइए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये सेशन आपको यूपीएससी सीडीएस एफकैट कैट एनडीए एंड सारे जो भी एग्जाम्स हैं वो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन ये मेनली जो मैं फोकस करूँगा ये यूपीएससी 2020 फोकस्ड है, ठीक है। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाई मी आशीष सर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन एन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म एंड अप्लाइंग दिस कोड यू विल गेट द 10% ऑफ आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड, राइट। सो दिस इज माई कोड SHIVGOVIND 1001-501 एंड आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस सेशन यू आर एबल टू अपटेन द 100% मार्क्स, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान में देंगे स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पे मैं जो हूँ आपको तीन चार सब्जेक्ट यहाँ पे आपको क्लासेस मिलने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे आपको मैथ मिलेगा, प्लस में आपको यहाँ पे जीके मिलेगा, प्लस में आपको जीएस मिलेगा और प्लस में आपको करेंट अफेयर मिल रहा है, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे करेंट अफेयर एंड मैथ्स का क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जीके एंड जीएस का क्लास आपको विद इन 1 to 2 days आपका स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं 6 से लेकर 12 तक का मैथमेटिक्स आपको कराऊंगा, राइट। सॉरी 6 से लेकर 2 जो भी 12 तक का जो भी आपका स्टैटिक्स पार्ट है एनसीईआरटी वो कवर करूंगा, देन आफ्टर मैं आपका स्टैंडर्ड बुक में मूव करूंगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर का भी जो भी करेंट अफेयर है वो भी आपको यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो भी आपका करेंट अफेयर है तो वो सारा चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वो प्रीवियस ईयर का जो करेंट अफेयर है उसको देखते हैं। तो वो करेंट अफेयर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है वो भी करेंट अफेयर आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो वो प्रीवियस ईयर का करेंट अफेयर मैं वो भी कवर करूंगा, जिसमें मैं जनवरी 2018 से लेके दिसंबर 2019 तक आपका कवर करूंगा, और इधर जो है बाकी का इधर का अपडेट आपको क्लासेस मिलेंगे। तो चलिए अगर बात करेंगे तो ये करेंट अफेयर 2020 जनवरी का चल रहा है अभी, ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले कोट्स मिलेंगे, न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस मिलेंगे, वोकेबिलिटी मिलेंगे, न्यूज एनालिसिस होंगे, यहाँ पे करेंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे, कैपिटल करेंसी देखेंगे, हिंदू क्विज देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको राजस्थान आज का मैप बेस्ट सॉरी पाकिस्तान अभी हम लोग साउथ एशिया कवर कर रहे हैं मैप में, तो आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो है क्या, उसका कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वो सारे चीज के बारे में। तो चलिए आज का जो कोर्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्रिएट अ काइंड ऑफ द स्टोरी बाई योर लाइफ एंड दैट कैन इंस्पायर अदर, राइट। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, इस तरीके से आपको अपने लाइफ को बनाना है कि ताकि आपकी स्टोरी जो है वो जो दूसरे को इंस्पायर करे, आपको इस तरीके से अपने आप को बनाना है स्टूडेंट्स, और उसके लिए आपको बहुत ही बेहतर करना होगा, तभी आपके स्टोरी से कोई इंस्पायर हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अपने अगर किसी और को इंस्पायर करना है तो आपको जो भी अपने लाइफ में जो है वो आउटस्टैंडिंग करना होगा, और आउटस्टैंडिंग करना आजकल जो है वो आपका इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आउटस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचने के लिए आपको जो है कड़ी मेहनत करनी है, राइट। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आप अपने आउटस्टैंडिंग लेवल को भी क्रॉस कर सकते हैं, चलिए, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। चलिए आज का करेंट अफेयर जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये तो अभी
हाल ही दिनों में आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट, एक वायरस जो है बहुत दिनों से फैल रहा है स्टूडेंट। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस है क्या उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट विल बिगिन द स्क्रीनिंग एफर्ट्स एट द 3 US एयरपोर्ट टू डिटेक्ट द ट्रेवलर फ्रॉम द सेंट्रल चाइनीज सिटी ऑफ द वुहान हु मे हैव सिम्टम ऑफ द न्यू रिस्पायरेटरी वायरस डेट इज द कोरोना वायरस। इस पर जो है पहले भी मैं सेशन ले चुका हूँ, तो अभी जो है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने जो है वो US के 3 एयरपोर्ट पे जो है डिटेक्ट किया है, पता लगाया है, और यहाँ पे पता लगाया भी जाएगा स्क्रीनिंग के द्वारा कि जो भी वहाँ पे चाइनीज के जो सिटी है वुहान सिटी, वहाँ से जो भी लोग आ रहे हैं तो उनको चेक किया जाएगा कि उनके अंदर कोरोना वायरस का जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो सिम्टम जो लक्षण है वो आपको दिख रहा है या नहीं, तो वो सारा चीज़ वहाँ पे यहाँ पे चेक किया जाएगा, ठीक है, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। तो चलिए इसी सेशन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, राइट। तो इसमें क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो कोरोना वायरस इज अ लार्ज और लार्ज फैमिली ऑफ वायरस डैट causes the illness ranging from the common cold and the more diseases such as the Middle East Respiratory Syndrome, Middle East Respiratory Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome, right? तो SARS cov या MERS cov, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो भी डिजीज की जो प्रॉब्लम है वो आपके इसी के कारण आ रही है, ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो कोरोना वायरस जो है एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है जिसके कारण जो है आपका कॉमन कोल्ड होता है, या फिर उससे लेकर अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी डिजीज होती है, ठीक है, तो वो डिजीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डिजीज है क्या, कौन कौन से डिजीज होती है, तो अगर हम लोग बात करेंगे जैसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होते हैं MERS, तो वो हो सकता है, या फिर अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपका SARS cov भी हो सकता है। तो ये दोनों जो है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये भी हम लोग देखेंगे कि आखिर ये MERS है क्या, या फिर जो है आपका ये जो मतलब आप SARS सेवियर एक्यूट जो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है वो है क्या, वो सारे चीज को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अगर MERS के बारे में बात करेंगे तो ये जो है कैमल फ्लू में पाया जाता है जनरली, ठीक है। MERS के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैमल फ्लू, राइट। तो कैमल फ्लू हो गया, तो ये जो है इसमें क्या होता है कि आप इसको समझ सकते हैं, इसमें जो होता है कैमल फ्लू में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको कैमल फ्लू बोला जाता है, इसमें आपका कॉमन कोल्ड हो सकता है, राइट, कॉमन कोल्ड हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो सकता है कॉमन कोल्ड के अलावा, अगर और चीज अगर हम इसमें देखें तो आपका और भी बहुत सारी चीज हो सकती है कॉमन कोल्ड के अलावा, आपका वहां पे जो है कफ हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जिससे जो है आप इसे समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है उसके जो होते हैं साइन होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो इस चीज को यहाँ पे, और अगर हम लोग बात करें SARS क्या होता है, SARS cov के बारे में, तो SARS जो होता है वो उसी टाइप का जिस तरीके से वो है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो SARS जो होता है वो एनिमल वायरस होता है, तो वहाँ पे ये जो हो गया आपका MERS कैमल फ्लू हो गया जिसमें बहुत सारे सिम्टम होते हैं, कॉमन कोल्ड होता है, कफ, ये सब जो होता है, या फिर जो भी सिर दर्द या फिर हेडेक की प्रॉब्लम आती है तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये SARS जो होता है, SARS एक्चुअल में है क्या, तो जो भी एनिमल जो फ्लू होते हैं उसी को यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो एनिमल फ्लू को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट्स की ये जरूरी क्या है, तो कोरोना वायरस इज ए जोनोटिक, राइट। तो जोनोटिक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो आखिर ये है क्या, ठीक है, तो व्हाट इज अ जोनोटिक, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, जो जोनोटिक्स रेफर टू द डिजीज दैट कैन बी पास फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, तो वैसा बीमारी जो आपका जो है एनिमल से ह्यूमन में पास होता है, राइट। तो जोनोटिक मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि
द बीमे द डिजीज दैट पासिस फ्रॉम दैट पासिस फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से एनिमल से ह्यूमन तक पास होने वाली एक बीमारी है, तो इस पे आपको फोकस करना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक चीज को आपको, ये सारा चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले एमईआरएस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो एमईआरएस, व्हाट इज द एमईआरएस? तो दिस इज द कैमल फ्लू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमल फ्लू। इस ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। एसीआरएस कॉफ क्या होता है, दैट इज द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, राइट कॉफ। तो ये जो होता है आपका एनिमल फ्लू होता है, तो कोई भी एनिमल को यहाँ पे कंसिडर आप कर सकते हैं एनिमल फ्लू के रूप में। ठीक है, अगर जोनोटिक अगर हम लोग बोले तो ये जो जोनोटिक है वो आपका कोरोना वायरस जोनोटिक है। इसका मतलब आप इसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो है आपका एनिमल टू मैन में आपका ट्रांसफर होता है। ठीक है, एनिमल टू मैन, तो यहाँ पे दे ट्रांसमिटेड मीनिंग दे आर ट्रांसमिटेड बिटवीन द एनिमल एंड पीपल। एंड सिम्टम्स जो है इसका कॉमन साइन ऑफ इन्फेक्शन ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता, सिम्टम हो सकता है, कफ हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मोर सीवियर केसेस जो है वो इन्फेक्शन का निमोनिया होता है, या फिर सीवियर एक्यूट जो भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होते हैं, किडनी फेलियर, या फिर लास्ट में डेथ भी हो सकता है। तो ये सब इसके जो है वो आपके पहचान है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन इसका कैसे है, ये फैल कैसे सकता है? तो पहला बाय एयर, कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है, जब अगर कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो इस तरीके से आपका ट्रांसफर हो सकता है, या फिर क्लोज कॉन्टेक्ट, क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट, टचिंग एंड शेकिंग द हैंड, तो इस तरीके से भी ट्रांसमिटेड हो सकता है ये। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टचिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्फेस एंड वायरस ऑन इट, तो इस तरीके से, या फिर टचिंग योर माउथ, नोज एंड आइज बिफोर वॉशिंग योर हैंड, रेयरली द फेसल कॉन्टेमिनेशन। फेसल कॉन्टेमिनेशन मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि फेसल मतलब आप रिलेटिंग टू द मल, मतलब जैसे अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो जो भी मल जो होता है, जो भी आदमी का जो वेस्ट जो निकलते हैं, ठीक है, तो उससे भी ये आपका फैल सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे अगर किसी भी तरीके से अगर वो जो व्यक्ति है अगर पोटी कर देता है, तो उस कंडीशन में वहां से जो है वो आपका ट्रांसफर हो सकता है, राइट। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो सिख इन द यूएस टू बी द काउंटेड एज अ सेपरेट इथनिक ग्रुप। तो सिख को जो है यहाँ पे यूएस ने एक काउंट कर लिया किस चीज के रूप में, सिख यूएस विल बी काउंटेड एज अ सेपरेट इथनिक ग्रुप इन द 2020 सेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जो है सेपरेट इथनिक ग्रुप के रूप में जो है सिख को क्या कर लिया गया, काउंट कर लिया गया स्टूडेंट्स। तो इथनिक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि इथनिक होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द इथनिक। तो इथनिक आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि सामाजिक विषयक आप इसको बोल सकते हैं, राइट। तो जो भी जाति है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे यूएस को अब जो है आपको जो है 2020 के सेंसस में पहली बार जो है वो एक अलग जातीय ग्रुप में इसको कंसिडर किया गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि लगभग ओवर द मिलियन सिख आर एस्टिमेटेड टू बी लिविंग इन द यूएस, वन ऑफ द रीजन फॉर एडवोकेटिंग द इंक्लूजन ऑफ द सिख्स एज अ सेपरेट इथनिक ग्रुप इज अ दैट एक्शन कैन बी टेकन टू एड्रेस द सिख इशू टू सिग्निफिकेंस सच एज द ब्यूलिंग इंटीमिडेशन एंड द हिट द क्राइम अगेंस्ट द कम्युनिटी। तो इस तरीके से आपको ये फोकस रखना है कि ये जो एक्शन जो लिया गया वो इनकी समुदाय के प्रति जो भी खिलाफ अपराध होता है, या फिर आप बोल सकते हैं घृणा होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि जो भी अपराध होता है या घृणा अपराध होता है, तो वो सारे चीज पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ के समुदाय को इसमें इंक्लूड किया गया है। मतलब अगर आप प्यूरिफाइंग के बारे में बात करें तो प्यूरिफाइंग इंटीमेशंस एंड द, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे प्यूरिफाइंग के वर्ड आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, डैट इज द, इसका मतलब होता है धमकाना, राइट। तो धमकाने पहले वहां पे जो है
जब तक इन लोगों को कंसीडर नहीं किया गया था तो वहां पे लोगों को धमकाया जाता था। इंटीमेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डेट इज द डराना, राइट, डराया जाता था, या फिर हेट, जो हेट क्राइम्स, मतलब यहाँ पे जो है इनके खिलाफ जो है वो अपराध किया जाता था, राइट। तो अब जो है वहाँ पे एक कम्युनिटी के रूप में जब इनको मान लिया गया, वहाँ पे एक जो है इथनिक जो है वो ग्रुप में इनको कंसिडर किया गया, मतलब इनको जो है अब जो है वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, वहाँ की एक जो है इनके खिलाफ अपराध। तो इस चीज़ को आप इस वर्ड को भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे इनको जो है इस तरीके से यहाँ पे जो ये सबसे बचाने के लिए जो है ऐसा किया गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो है इतनी ग्रुप को यहाँ पे यूएस सेंसस ब्यूरो कंसीडर द रेस, यूएस सेंसस ब्यूरो कंसीडर द रेस एंड एथनिक एज अ टू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से यूएस सेंसस ब्यूरो ने इसको कंसीडर करता है कि रेस एंड एथनिसिटी एज अ टू सेपरेट, टू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट कॉन्सेप्ट। इसे जो है एडहेयर्स टू द 1997 ऑफिस ऑफ द मैनेजमेंट एंड द बजट्स स्टैंडर्ड ऑफ रेस एंड एथनिसिटी। तो इसको जो है एक्चुअल में एडहेयर किया गया, एडहेयर मतलब आप समझ सकते हैं कि पालन करना, मतलब एक तरीके से ये जो है पहली बार पालन जो है स्टार्टिंग जो है वो 1997 में किया गया था, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट OMD स्टैंडर्ड ऑन द रेस एंड एथनिसिटी। यहाँ पे जो है इसमें 5 बोर्ड कैटेगरी होते हैं जिसमें रेस जो है वो कैटेगराइज होता है। इसमें जो है वाइट, ब्लैक, अमेरिकन मैन, ठीक है, एशियन एंड नेटिव हवेयन एंड अदर पेसिफिक आइलैंडर। तो ये 5 जो है लोगों को कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एंड दिस इज अ सोशल डिफिनेशन ऑफ द रेस ऑर्गेनाइज बाई नॉट एन अटेम्प्ट टू डिफाइन आर द रेस बायोलॉजिकली एंड एंथ्रोपोलॉजिकली एंड द जियो जेनेटिकली। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये बोला जा रहा है कि टोटल जो लोग जो हैं यहाँ पे जो भी प्रेजेंट हैं सारे लोग, तो इनको 5 व्यापक श्रेणी जो है उनके तहत श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जैसे सफ़ेद काले के बारे में, वाइट ब्लैक, या फिर अमेरिकी जो भी अफ्रीकन अमेरिकन है, या फिर एशियन है, तो उनको मूल निवासी हवाई या फिर अन जो भी आपका अंदर का जो भी प्रांतीय क्षेत्र है प्रशांत द्वीप समूह में, तो उनके लिए यहाँ पे इनको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। और यह मानवता प्राप्त जो है वो आपका रेस रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब आप नस्ल की सामाजिक परिभाषा है एक तरीके से अगर हम लोग बात करें, तो यह जो है मान्यता प्राप्त जो है आपका रेस रिकॉग्नाइज है, सोशल डिफिनेशन ऑफ द रेस रिकॉग्नाइज एंड नॉट एन अटेम्प्ट टू डिफाइन रेस बायोलॉजिकली, और न कि जैविक रूप से जो भी आपका बायोलॉजिकली हो रहा है जैविक रूप से, या फिर नृविज्ञान के बारे में एंथ्रोपोलॉजिकली, या फिर आप अगर अनुवांशिक रूप से नस्ल को प्रभावित करने का प्रयास किया है, प्रयास है। अगर हम लोग इतनी सिटी के बारे में बात करें तो इतनी सिटी मतलब होता क्या है, तो इतनी सिटी डिवाइन अ पर्सन इज ऑफ द हिस्पैनिक ऑरिजिन और नॉट्स। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि इतनी सिटी एक तरीके से निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति जो है हिस्पैनिक ऑरिजिन से है या नहीं, ठीक है, मतलब अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फॉर द कंसिडरेशन अंडर द यूएस सेंसस इतनी सिटी इज ब्रोकन डाउन इनटू द 2 कैटेगरी, हिस्पैनिक एंड द लैटिनो एंड नॉट हिस्पैनिक और लैटिनो। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका जनगणना के तहत विचार के लिए जातीयता को 2 श्रेणी में बांटा गया है, पहला हिस्पैनिक जिसको लैटिनो बोलते हैं, दूसरा नॉन हिस्पैनिक या फिर लैटिनो बोल सकते हैं। तो इस तरीके से उनको जो है क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सिख लोगों को ऐसा काउंटेड किया गया है सेपरेट एथनिक ग्रुप में, इसका बेनिफिट्स क्या है, पहला है कि ये जो है एक्यूरेट काउंट ऑफ सिक्स जो है वो इंश्योर करेगा, अगर इनका सेंसस में अगर पहली बार अगर आएगा 2020 में तो इनका जो एक्चुअल काउंट है कितने नंबर ऑफ सिख हैं उनके बारे में पता चलेगा, ठीक है। दूसरा जो है ये इट हेल्प इन ट्रैकिंग एंड मेजरिंग द हेट क्राइम अगेंस्ट द कम्युनिटी, तो इससे ये पता चलेगा कि कितने जो है इसके क्या उपाय हैं, या फिर कितने जो हैं इस तरीके से कौन कौन लोग जो हैं इनके लिए जो भी
जो भी खिलाफ अपराध जो कर रहे हैं उन इस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, इस कॉम के लिए, तो उसका भी पता लगेगा या फिर उसमें सहायता मिलेगी। इंश्योर एन एक्वल एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिख, तो इससे जो है बराबर और जो है एकदम परफेक्ट जो है सिख को रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द एक्सेस ऑफ मेंबर ऑफ द कांग्रेस एंड द अदर इसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज नीड टू द कम्युनिटी। तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा किस चीज़ का, तो इनके समुदाय के जो भी जरूरत होंगे उसके लिए कांग्रेस और अन्य सरकारी सेवाओं के सदस्यों तक प्रदान करने में उपयोगी भी होगा। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो अपार्ट फ्रॉम द यूएस, सिख इन ब्रिटेन हैव ऑल्सो डिमांडेड द इंक्लूसन सेपरेट एथनिक ग्रुप। एंड इन नवंबर 2019 ब्रिटिश सिख टू द गवर्नमेंट टू द कोर्ट ओवर द अनलॉफुल एंड रिफ्यूजल टू ट्रेड देम टू सेपरेट एथनिक ग्रुप। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर वॉज ओवर द 8 लाख सिख इन द यूके। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है यूएस को छोड़कर, यूएस के अलावा अगर और भी जगह पे बात करें तो सिख का जो है वो ब्रिटेन में भी वो कर चुके हैं कि उनका जो है उनको जो है इतनी ग्रुप, मतलब एक अलग जातीय ग्रुप में उनको शामिल किया जाए। तो 2019 नवंबर में बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश सिख को जो है सरकार के द्वारा लगभग यहाँ पे क्या बोला गया कि रिफ्यूज किया गया और इनको जो है इतनी ग्रुप में शामिल नहीं किया गया। जबकि जो है वहाँ पे 8 अस मतलब अगर हम लोग बात करें तो लगभग लंदन में, यूके में जो है, ब्रिटेन में टोटल जो है वो लगभग कितने सिख रहते हैं, 8 लाख। फर्दर मोर अगर हम लोग, सिख आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन माइनॉरिटीज इन द न्यूजीलैंड। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे सिख जो है वो आपका न्यूजीलैंड में भी बहुत ज़्यादा है, और वेयर दे आर कंसिडर टू बी द डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप, जहाँ पे उनको कंसिडर किया जाता है डिस्टिंक्ट अलग एथनिक ग्रुप में, अलग एथनिक ग्रुप इन न्यूजीलैंड इंक्लूड द पंजाबी। तो न्यूजीलैंड में पंजाबी, बंगालीज, इंडियन, तमिल एंड फैजान इंडियन अमॉन्ग देयर, उन लोगों को भी वहाँ पे जो है अलग जातीय समुदाय में शामिल किया गया है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ये GS Paper 3 के लिए आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है सेटअप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु, विच प्रोवाइड द ब्लॉकचेन एज अ सर्विस एंड अलाउ द स्टेक होल्डर टू बेनिफिट टू शेयर द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड द रिसोर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो NIC ने एक सेटअप किया है सेटअप एक तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है, जो ब्लॉकचेन को अगर हम लोग बात करें तो ब्लॉकचेन को एक सेवा के रूप में प्रदान करेगा, मतलब एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करेगा, और जो भी इसके जो हितधारक को साझा शिक्षण अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पे जो है उनको एक तरीके से शेयर मिलेगा, प्लस में लर्निंग मिलेगा एंड द एक्सपीरियंस एंड द रिसोर्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे CIA ने अभी जो है बेंगलुरु में अगर हम लोग बात करें तो बेंगलुरु में उन्होंने सेटअप किया है इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि जो भी ब्लॉकचेन के जो भी सर्विसेज होंगे या फिर जो भी उसके स्टेक होल्डर होंगे उनको एक सर्विस के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि शेयर उनको मिलेगा या फिर लर्निंग प्रोवाइड कराया जाएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा एंड द रिसोर्सेज भी उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरीके से जो है ये आपका न्यू डाटा स्ट्रक्चर है, राइट। तो इट इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आर अ न्यू डाटा स्ट्रक्चर दैट इज सिक्योर एंड क्राइप्टोग्राफी बेस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क। तो ये जो है आपका एक तरीके से ये एक नई डाटा संरचना है और जो एक नेटवर्क पर सुरक्षित जो भी किटोग्राफी होती है, ठीक है।
उस पर आधारित है और उस पर वितरित है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है आपका क्रिप्टो करेंसीज जो है, जैसे कि इसको सपोर्ट करता है, जैसे कि आपका बिटकॉइन हो गया, या फिर इसका जो भी ट्रांसफर ऑफ डाटा डिजिटल एसेट्स जो होते हैं वो उस पर भी ये फोकस करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो है स्पीयर हेड्स बाय द बिटकॉइंस एंड अलाउड द ट्रांजेक्शन बिटकॉइंस एंड ब्लॉकचेन अचीव द कंसेंसस अमंग द डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स एंड अलाउइंग द ट्रांसफर एंड ऑफ डिजिटल गुड्स एंड विदाउट द नीड्स ऑफ द सेंट्रलाइज्ड ऑथराइजेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर बिटकॉइन के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो जो भी ब्लॉकचेन जो है वो क्या करेगा, एक तरीके से वितरित करता है नोड्स के बीच, जो भी नोड्स जो होते हैं, जो उसके सिरा जो होते हैं उनके बीच में जो आम सहमति प्राप्त करता है, और जिससे लेन देन की जो भी सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइज ऑथोराइजेशन है, मतलब एक तरीके से जो भी ऑथोरिटी है उनके आवश्यकता के बिना डिजिटल समातों का हस्तांतरण हो सकता है, मतलब यहाँ पे इस चीज को फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों का इस चीज पे ध्यान होता है कि व्हाट इज द क्रिप्टोग्राफी, तो इस चीज पे फोकस करिएगा स्टूडेंट कि क्रिप्टोग्राफी मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टडी, राइट, फील्ड ऑफ स्टडी, राइट। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मतलब वही हो गया कि फील्ड ऑफ मतलब स्टडी ऑफ करेंसी, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी मतलब आप इसको इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये सारे चीज पे ये टेक्नोलॉजी जो है वो आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसेंशियल फॉर तो इस चीज पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका जो है फंक्शन क्या है, जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो क्या करेगा, फैसिलेट करेगा, मतलब एक तरीके से अगर हम लोग बोले तो ये जो है आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फैसिलिटेट करेगा, जिससे जो भी सुविधा होगी वो हम मिलेगी, जैसे वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जिसमें ये जो है कॉन्सेप्ट जैसे ब्लॉकचेन फॉर द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द डिफरेंट डायमेंशन गवर्नमेंट्स एंड लीडिंग द लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ द सच एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इसका फंक्शन ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों को जो भी है वो सुविधा प्रदान करेगा। तो किस टाइप की सुविधा प्रदान करेगा, जैसे सरकारी जो भी आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे उनके उनको जो है शासन, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो भी गवर्नेंस होता है उसके लिए शासन के विभिन्न आयामों के ब्लॉकचेन जो भी टेक्नोलॉजी है उनके उपयोग के लिए जो है ये डिफरेंट डायमेंशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो डिफरेंट जो भी सुविधा है वो प्रोवाइड कराएगा और जिसके जो है बहुत सारे बहुत कुछ अनुप्रयोगों के बड़े पैमाने पर तैनाती हो सकेगी अगर हम लोग बात करें तो इससे ये हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा स्टूडेंट्स। अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे नेशनल इंफॉर्मेटिक जो सेंटर है NIC जो है वो प्रोवाइडिंग द रॉबस्ट एंड द एजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड COE शैल ऑल्सो प्रोवाइड द ब्लॉकचेन एज अ सर्विस बास फॉर द एफिशिएंट होस्टिंग एंड से एन ऑफिशियल रिटेल। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका इस तरीके से भी वर्क करेगा। जैसे अगर हम लोग माने किसी चीज का NIA के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, ठीक है, ऐसा जो है ऑफिशियल रिलीज में ऐसा कहा गया है कि जो भी आपका जो NIC है, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक जो सेंटर है वो एक तरीके से एक मजबूत और चुस्त बुनियादी ढांचा जो है उसको प्रदान करने के साथ साथ जो आपको COE जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क की कुशल मेजबानी के लिए ब्लॉकचेन को सेवा, मतलब आप बोल सकते हैं होस्टिंग ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क या फिर ब्लॉकचेन एज अ सर्विस बास के रूप में भी प्रदान करेगा। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है स्टूडेंट्स एंड हाउ इट ऑपरेट्स। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है कि आखिर ये वर्क कैसे करेगा, राइट। तो अगर हम लोग इसके वर्क के बारे में बात करेंगे कि हाउ इट ऑपरेट्स द, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो द टेक्नोलॉजी
अलाउड ट्रांजेक्शंस टू बी द साइमल्टेनियस एनोनाइमस एंड सिक्योर टू पीयर इंस्टेंट फंक्शनलेस। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो लेन देन के एक साथ जो जो एनोनाइमस एंड सिक्योर मतलब एक तरीके से गुमनाम और सुरक्षित, एनोनाइमस मतलब गुमनाम आप बोल सकते हैं, तो गुमनाम और सुरक्षित और जो भी आपके पीयर टू पीयर मतलब सहकर्मी से सहकर्मी का या फिर तुरंत जो इंस्टेंट एंड जो फंक्शन फ्रिक्शनलेस जो होता है मतलब तुरंत और घर्षण रहित होने की अनुमति देती है। तो इस टेक्नोलॉजी से हम लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड होगा। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे जो है इट डज दिस बाय द ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द ट्रस्ट फ्रॉम द पावरफुल इंटरमीडियरीज टू अ लार्ज ग्लोबल नेटवर्क एंड विच अलाउ थ्रू द मास कोलाबरेशन एंड क्लेवर कोड एंड क्राइटोग्राफी एंड enables to the tamper proof and the every transaction that happen on the network। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो एक तरीके से ये जो है आपका एक तरीके से यह एक शक्तिशाली माध्यम मध्यस्थों के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मास कोलाबरेशन है, तो यह एक मास कोलाबरेशन को एक बड़े पैमाने बड़े वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के रूप में काम करेगा, नेटवर्क भरोसा के वितरित करके ऐसा करता है जो बड़े पैमाने पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो है कोलाबोरेशन भी करता है, चतुर कोड जो होता है क्लेवर कोड प्रोवाइड कराता है, क्रिप्टोग्राफी कराता है, क्राइप्टोग्राफी कराता है जिसमें के माध्यम से अगर हम लोग नेटवर्क पे बात करें तो नेटवर्क पे कभी भी होने वाले जो हर लेन देन या फिर एक छेड़छाड़ सबूत सार्वजनिक जो नेतृत्व को भी सक्षम बनाते हैं। तो इसलिए ये जो है बहुत ही जरूरी है और इसका जो वर्क जो है आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर हम लोग बात करें तो ब्लॉक इज अ करेंट पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन एंड विच रिकॉर्ड द स्मॉल सम ऑफ और ऑल ऑफ द रिसेंट ट्रांजेक्शन वंस कंप्लीटेड एंड गोज इनटू द ब्लॉकचेन एज अ परमानेंट डेटाबेस, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो है हम लोगों के लिए परमानेंट डेटाबेस के रूप में भी वर्क करता है, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो ये जो थर्ड वर्क है तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको समझ सकते हैं कि इसका जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक एक ब्लैक चेन, ब्लॉक एक जो है वो ब्लैक चेन का वर्तमान हिस्सा है। जैसे कि हाल ही में अगर हम लोग कुछ लेन देन का रिकॉर्ड करता है और एक बार पूरा होने पर ब्लॉक चेन एक अस्थायी डाटाबेस के रूप में हम लोगों को प्रोवाइड करता है, मतलब वहाँ पे अस्थायी डाटा के रूप में हम लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल पाता है। अगर हम लोग बात करें तो हर टाइम जो है वो ब्लैक गेट द कम्प्लीटेड अ न्यू ब्लॉक इज जनरेटेड, अगर एक बार जो है वो ब्लॉक कंप्लीट हो गया तो नया ब्लॉक जनरेट होगा और ब्लॉक जो है वो लिंक टू द ईच अदर लाइक अ चैन इन द प्रॉपर लिनियर एंड क्रोनोलॉजिकल एंड ऑर्डर एंड एवरी ब्लॉक कंटेनिंग अ हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक्स। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि हर बार एक ब्लॉक जैसे ही पूरा होता है हो जाता है तो एक नया ब्लॉक उत्पन्न होता है और ब्लॉक जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं जैसे श्रृंखला, जैसे कि चैन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये चैन के थ्रू ये भी आपका जुड़ा हुआ रहता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से ये ब्लॉक आपका जुड़ा हुआ है। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है प्रॉपर लीनियर होता है, मतलब जैसे कि आप बोल सकते हैं उचित रैखिक होता है या फिर आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जैसे कला मतलब क्रम के अनुसार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसका बेनिफिट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट तो बेनिफिट इसका क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग पब्लिक लेजर सिस्टम के बारे में बात करें तो ब्लॉकचेन जो है वो क्या करेगा, हम लोगों को बहुत सारी चीज में हेल्प करने वाला है ये जो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये हम लोगों को किस किस चीज में हेल्प करेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो एज अ लेजर सिस्टम ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स द वैलिडेट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मेड एंड विच मेड इट सिक्योर एंड रिलायबल। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यह एक सार्वजनिक खाता प्रणाली के रूप में ब्लॉकचेन रिकॉर्ड करता है और एक तरीके से ये एक सार्वजनिक खाता प्रणाली है, बस आपको यही समझना है कि ये सबके लिए पब्लिक लेजर सिस्टम है, सार्वजनिक खाता प्रणाली है और ये जो है ब्लॉकचेन सिर्फ रिकॉर्ड करता है।
और किए गए जो भी प्रत्येक लेन देन को मान्य करता है जो एक सुरक्षित और विश्वसनीय होता है। तो इस तरीके से जो भी लेन देन हो रहा है ब्लॉकचेन के द्वारा, तो वो सारा चीज वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। एंड ऑल द ट्रांजेक्शन मेड आर द ऑथोराइज बाई द माइनर्स एंड विच मेक द ट्रांजेक्शन इम्यूटेबल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द थ्रेट ऑफ द हैकिंग। तो ये जो है ब्लॉकचेन जो है, इससे किए गए सभी लेन देन जो होते हैं वो आपके सुरक्षित होते हैं। मतलब एक तरीके से खनिकों द्वारा जो भी अधिकृत होते हैं, जो भी माइनर होंगे उनके द्वारा अधिकृत होते हैं, और इसके लेन देन में अपरिवर्तनीय बनता है और हैकिंग के खतरे से बचाता है। मतलब इसको इसका जो लेन देन है वो आपका जो है इम्यूटेबल है, अपरिवर्तनीय होता है। तो इसलिए अपरिवर्तनीय है, तो ये आपका हैकिंग होने का कोई चांस होगा ही नहीं। अगर हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी है, और ये जो है आपको क्या करता है, ब्लॉकचेन तकनीकी जो है सहकर्मी से अगर हम लोग बात करें, थर्ड पार्टी टू द और सेंट्रल अथॉरिटी फ्रॉम पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। तो इसमें जो है सहकर्मी से सहकर्मी का लेन देन के लिए किसी भी तृतीय पक्ष या केंद्रीय प्राधिकृता को पूरा करता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्कार्ड करता है किसके, जैसे अगर सहकर्मी का सहकर्मी से जो भी जो लेन देन होता है तो उसके लिए भी तृतीय पक्ष का जो भी आप बोल सकते हैं सेंट्रल अथॉरिटी होता है, तो उसकी आवश्यकता को पूरा करता है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को भी अलाउ करता है, मतलब इसमें जो विकेंद्रीकरण जो होती है उसकी भी अनुमति मिलती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो है डेवलपमेंट सपोर्ट ऑफ फॉर द स्टेट्स एंड यूटीज DSS फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो DSS क्या है, तो उससे अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो ये है डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस टू द स्टेट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो नीति आयोग ने जो है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी को यहाँ पे उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसके अंदर नीति आयोग जो है वो सपोर्ट करेगा किसको, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लद्दाख थ्रू द इनिशिएटिव। तो किसके अकॉर्डिंग, कौन से इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस ऑफ द टू द स्टेट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे ये वर्क करने वाला है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो है वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्टूडेंट्स, तो ये जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये आपका नीति आयोग के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि जो भी ट्रांसफार्मर है या फिर सस्टेन डिलीवर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है स्टेट के साथ ऑफ द आर्ट कैपेसिटी इज डिस इमिनेटेड एट ऑल लेवल ऑफ द गवर्नेंस। तो यहाँ पे जो है इसका एम यही है कि आपको यहाँ पे ये फोकस करना है कि इसका एम जो है वो बहुत ही सरल और सटीक है कि यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मल है या फिर मतलब एक तरीके से परिवर्तनशीलता बोल सकते हैं या फिर सस्टेन डिलीवरी है या फिर शासन के सभी स्तर पर जो भी प्रसारित जो कला क्षमता के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निरंतर डिलीवरी अचीव कराना या फिर उनको जो है प्राप्त कराना ही इसका मेक उद्देश्य है। अब इसका जो है वो तो एम हो गया। अब यहाँ पे अगर मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो क्रिएटिंग द PPP सक्सेस। अब यहाँ पे बोल दिया गया तो ये क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे आप इस 3P का मतलब समझ लीजिएगा, ये एक होता है पब्लिक, उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो डेट इज द प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट, एंड लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो डेट इज द पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज द मीनिंग ऑफ तो पार्टनरशिप। तो यही इसका मीनिंग होता है किसका, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पीपी का। तो ये जो है एक तरीके से पीपी का एक क्रिएटिंग स्टोरी बनाना चाहता है, सक्सेस स्टोरी एंड रिबूटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो है फिर से रिबूट करना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उसको डिलीवरी मॉडल में, एंड सो द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन साइकिल इज एस्टैब्लिश। तो वहाँ पे जो है पूरे अगर संपूर्ण के बारे में बात करें तो सब्सटेंशियल जो वहाँ के जो भी जैसे
इसकी जो पीपीपी की जो भी सफलता की कहानियां बनाना है, मतलब जो पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप की जो भी सफलता जो सक्सेस है उसकी सबसे पहले हिस्टोरी बनाना है। और अगर अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिलीवरी मॉडल को रिपोर्ट करना है और ताकि एक अस्थायी बुनियादी ढांचा का चक्र निर्माण चक्र स्थापित हो सके, तो इसका मतलब यही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो डीएसएस जो है वो किस तरीके से काम करता है, तो डीएसएस जो है जैसे डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस फॉर द स्टेट जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, तो डीएसएस जो है ये डीएसएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर वो इनिशिएटिव है इन्वॉल्व द प्रोवाइडिंग द प्रोजेक्ट लेवल सपोर्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट प्लान टिल द फिनेंशियल क्लोजर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज। तो डीएसएस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पहल में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय बंद करने तक संकल्पना योजना से परियोजना स्तर का समर्थन प्रदान करना शामिल है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है डीएसएसएस जो है इस तरीके से परियोजना को जो भी समर्थन जो होता है उसको प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही छोटा था। अब हम लोग आज जो है अभी डिस्कस करेंगे इस ऑस्ट्रेलियन बस फायर के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन बस फायर जो है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बस फायर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बस लैंड, ठीक है, तो आखिर बस फायर क्या होता है, बस लैंड क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके, ठीक है। तो डैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन बस फायर जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द बस, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, तो आप इसे कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोग को पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बस, राइट। तो राइट, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों का जो है वो आंसर आना चाहिए, राइट, ठीक है। तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से जो, चलिए मैं इसे बता ही देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ऐसे आप कमेंट भी करिएगा कि आप लोगों को पता था, तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बता देंगे। तो बस लैंड के बारे में बात करेंगे, तो बस लैंड एक ब्लैंकेट टर्म है जो लैंड के लिए बनाया गया है, ठीक है, ब्लैंकेट टर्म है जो लैंड के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है वी सपोर्ट द रेमिनेंट वेजिटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा कि बस लैंड जो है वो, अगर उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यह जो है एक ब्लैंकेट वेजिटेशन है, ठीक है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स की जहाँ पे जो आपका पूरे तरीके से कवर्ड होता है, जैसे स्पेशली इसको बस लैंड जो होता है हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ही बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग इसे बस लैंड बोलते हैं, वैसा लैंड जिसमें क्या होता है कि आपका बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, नेचुरल जो भी वेजिटेशन होते हैं, जैसे कि आप उसमें एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन में आपका मान लीजिए कि सर्व्स हो गया, ठीक है, सर्व हो गया या फिर ट्रीज हो गए, तो ये सारे चीज को हम लोग वहाँ पे जो है बस फायर बोला जाता है। तो सर्व्स हो गया या फिर ट्रीज हो गए, तो ये सारे चीज पे वहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं, तो यही यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग डिसाइड करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया वॉज रिसेंटली रैक्ट रेवेस्ट, राइट, तो रेवेस्ट बाय द वर्स्ट वाइल्ड फायर सी इन द डिकेड्स एंड विद अ लार्ज स्वैथ ऑफ द कंट्री डेवेस्टेटेड। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पे तबाह हो चुका है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के अगर सिचुएशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो भी साइन ऑफ द जो भी सीन्स द फायर सीजन बिगेन, तो ऑस्ट्रेलिया के हाल ही के दशक में अगर हम लोग देखें तो सबसे खराब जंगल की आग से तबाह हो गया है था। अब जब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जब आग का मौसम शुरू होने के
बाद देश के बड़े पैमाने में तबाही भी हुई थी, तो अभी हम लोग बात करेंगे उसी के बारे में, जो भी आपका तबाही हुआ है वही सारे चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो है एक तरीके से यह सब लगातार गर्मी और सूखे से समाप्त हो गया है, और जलवायु परिवर्तन के जो है बहुत कई बिंदु हैं, और एक कारक के रूप में अगर हम लोग बताएं तो ये नेचुरल डिजास्टर है जिससे ये जो है बदते बदतर होते जा रहा है। ठीक है, अगर एक तरीके से बोले तो ये नेचुरल डिजास्टर ही आप इसे समझ सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीके से नेचुरल डिजास्टर ही इसको कंसिडर किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रीजन अफेक्टेड रीजन जो है, आखिर मेन रीजन इसको किस चीज़ के लिए कैसे और किस चीज़ में बताया जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्टेट में जो नाउ जो है अभी हार्डेस्ट हीट है, न्यू साउथ वेल्स हैव बीन द हार्डेस्ट टू बीट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के हर राज्य में आग लग गई है, लेकिन न्यू साउथ वेल्स जो है सबसे मुश्किल हीट में है, मतलब सबसे जो है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हीट जो है वो पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो जिसके कारण प्रॉब्लम यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें ब्लेज के बारे में, तो ब्लेज हैव द बस लैंड एंड वुडेड एरियाज एंड द नेशनल पार्क लाइक द ब्लू माउंटेन्स। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो जंगली क्षेत्र या फिर ब्लू माउंटेन जैसे जो भी वहाँ पे जो नेशनल पार्क हैं, जैसे अगर हम लोग ब्लू माउंटेन के बारे में बात करें तो ब्लेज फटे हुए हैं, तो वो आपका जो है जो भी वहाँ पे जल रहा है कंटिन्यूसली, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। जैसे कि सम ऑस्ट्रेलियन सिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका इफेक्ट हो गया, जैसे कि मेलबर्न एंड सिडनी के बारे में बात करें तो ये दोनों जो है आपका जो भी लार्जेस्ट सिटी है ये आपके इसके चपेट में है, और इससे ये जो है बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है। अगर हम लोग बात करें कि आग का कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है, आखिर आग क्यों लगा, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो व्हाट आर द रीजन ऑफ द फायर। तो ईच ईयर देयर इज अ फायर सीजन ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन समर विथ हॉट एंड ड्राई वेदर, ड्राई वेदर मेकिंग इट ईजी फॉर द ब्लेज टू स्टार्ट एंड स्प्रेड। तो अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक साल जो है यहाँ पे फायर सीजन होता है ऑस्ट्रेलियन समर में, जब आपका ऑस्ट्रेलिया में समर आता है, तो इसमें जो है ड्राई वेदर होता है और इसमें आसानी से जो है वो आपका जो है ब्लेज स्टार्ट हो जाता है, मतलब आग लगना स्टार्ट हो जाता है, या फिर जो भी जो है आग बहुत जल्दी इसमें फैल जाता है। ठीक है, तो मौसम के कारण जो होते हैं ब्लेज, मतलब धमाके स्टार्ट हो जाते हैं और जो है आग फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका अगर नेचुरल कॉजेज में बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक लाइटनिंग स्ट्राइक इन द ड्रॉट्स एंड अफेक्ट द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे अगर सूखा में इस तरीके से जो लाइटनिंग आता है, जो भी स्ट्राइक होता है, तो उसके कारण जो है बिजली गिरना के बारे में आप बोल सकते हैं। तो बिजली गिरने के कारण ऐसा जो है इसको ब्लेम किया जाता है, मतलब जंगल में बिजली गिरने से जो है वो ज़्यादातर, मतलब मेन रीजन अगर हम लोग बोलें तो यहाँ पे जो है नेचुरल कॉज में आपका जो है यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन जो हुआ है वो किसके कारण हुआ है, तो यहाँ पे ब्लेम ये किया जा रहा है कि यहाँ पे जो नेचुरल ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है, जो लाइटनिंग जो ड्राइट जो लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ है, जो बिजली गिरा है, तो उसी के कारण ऐसा हुआ। अब ड्राई लाइटनिंग वो रिस्पॉन्सिबल है जैसे स्टार्टिंग द नंबर ऑफ फायर विक्टोरिया ईस्ट गिस्पलैंड रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो इस आग का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपका जो है वो लाइटनिंग, ड्राई लाइटनिंग जो है उसी के कारण हुआ है। तो ह्यूमन कैन ऑल्सो भी ब्लेम, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ह्यूमन भी जो है इसके लिए ह्यूमन को भी ब्लेम किया जा रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन को ब्लेम क्यों किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ह्यूमन एनएसडब्ल्यू पुलिस हैव चार्ज एटलीस्ट 24 पीपल इज डिलीवरेटरी स्टार्टिंग द बस फायर। तो इंसान को भी दोष देना पड़ सकता है, जैसे कि अगर हम लोग एनएसडब्ल्यू के बारे में बात करें तो वहाँ की जो पुलिस है उसने कम से कम 24 लोगों को पर जानबूझकर झाड़ू फूंक करने का जो आरोप लगाया है, मतलब वहाँ पे झाड़ी उड़ी को जलाने का आरोप लगाया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी बहुत सारे चैलेंज को फेस कर रहा है। ठीक है,
तो वो सारे चैलेंजेस सॉरी स्टूडेंट, तो वो सारे चैलेंजेस के बारे में हम लोग यहाँ पे वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, राइट, तो यहाँ पे जैसे कि आप देखिए, वन ऑफ द वर्स्ट ड्राउट इन द डिकेड लास्ट स्प्रिंग एंड वाज द ड्राइएस्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो पहला जो चैलेंज है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो है सबसे पिछले दशक में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है बहुत खराब स्थिति है किस चीज़ का, सूखा से, ठीक है। तो जिसके कारण लास्ट स्प्रिंग में जो है यहाँ पे पिछले स्प्रिंग में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है आपका क्या रिकॉर्ड किया गया था, यहाँ पे जो है रिकॉर्ड आपका ये किया गया था कि ये जो है ड्राइएस्ट प्लेस के रूप में, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पे ये चैलेंज है। अगर हम लोग बात करें तो दूसरा में, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं इसको कि इसी बीच दूसरी ओर अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो हीट वेव इन दिसंबर ब्रोक द रिकॉर्ड्स ऑफ द हाईएस्ट नेशनल वर्ल्ड वाइड एवरेज टेम्परेचर। तो वर्ल्ड वाइड एवरेज टेम्परेचर जो है वो आपको हाईएस्ट यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। तो ये कितना हो जा रहा है अगर हम लोग बात करें तो लगभग जो है ये बहुत सारे स्थानों पर इसका जो तापमान जो है वो 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। मतलब लगभग कुछ स्थानों पर जो है ये आपके अधिक तापमान से नीचे झुलस गया है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो लगभग 113 से 120 डिग्री फॉरेनहाइट आपका हो गया है। मतलब आपका कुछ स्थानों पे इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया है, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है अभी के डेट में, ठीक है। कितना हो गया है स्टूडेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका जो अभी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। इस तरीके से टेम्परेचर अगर अभी 40 डिग्री सेल्सियस है और फॉरेनहाइट में अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग इसका 113 फॉरेनहाइट डिग्री फॉरेनहाइट टू कितना हो गया है अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स, टू 120 डिग्री फॉरेनहाइट। तो ये जो है आपका इतना होने के कारण जो है अधिक तापमान से हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे और चैलेंजेस क्या है कि स्ट्रॉन्ग विंड हैव आल्सो मेड द फायर एंड स्मोक स्प्रेड द मोर रैपिडली। तो इसका जो आगे जो चैलेंज है ये भी एक चैलेंज है जिससे आपका आगे आग जो है वो बढ़ सकता है, ये जो बस फायर है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है उसके कारण भी आपका ये बढ़ सकता है। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और आपका जो है अभी जो है मैं करेंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें यूपीएससी के परस्पेक्टिव से के लिए जनवरी 2018 से लेकर मैं उसमें डिस्कस करूँगा दिसंबर 2019 तक, जो भी आपके टाइम बचे हुए हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो जो भी स्टूडेंट हैं वो आपको यूपीएससी के लिए खासकर, तो वो सारे लोग हमारे इस सेशन को जुड़िए और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लास जो है वो रेगुलरली मिलेंगे। साथ ही साथ आपका जो है जीके का भी मैं क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं 6th क्लास से लेकर 12th क्लास का रैपिड जो क्विक रिविजन है वो कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये वेदर कंडीशन जो है वो आपका क्लाइमेट चेंज के कारण जो है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो क्लाइमेट चेंज जो है वो आपका जलवायु परिवर्तन ने आग और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं या फिर जो भी आपका जो सिचुएशन है के दायरे और प्रभाव को खराब कर दिया है और मौसम की स्थिति अधिक चरम पर बढ़ रही है, ठीक है। और वर्षों में अगर हम लोग वर्षों से बात करें तो अगर आग मौसम में पहले से शुरू हो रही है और साथ फैल रही है तो दोनों चीज़ हो रहा है यहाँ पे जो है। पिछले वर्षों में अगर हम लोग बात करें तो आग जो है वो आपका स्टार्टिंग भी हो गया और आपका जो है यहाँ पे स्प्रेड जो हो रहा है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है, फास्ट रैपिड तरीके से हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें डैमेजेस क्या क्या हुए हैं, तो अगर डैमेजेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंटायर टाउन हैज बीन द इंगल्फ्ड इन द फ्लेम एंड रेसिडेंट अक्रॉस द सेवरल स्टेट हैव लॉस्ट देयर होम। इस तरीके से बहुत सारे स्टेट के जो लोग हैं वो अपने होम को भी जो है वो छोड़ चुके हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू।
तो यहाँ पे अगर पूरे कस्बे की बात करें, पूरे टाउन की बात करें, पूरे कस्बे की बात करें, तो वो सारा जो प्लेस है वो आपका आग से गिर गया है, और वहाँ के लोग जो है वो स्टेट को छोड़, मतलब उनका जो घर है वो ख़त्म हो गया है, और वो वहाँ से दूसरी जगह पे लोकेट भी कर चुके हैं, मतलब मूव भी कर चुके हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हैवीएस्ट स्ट्रक्चरल डैमेज जो है NSW के द्वारा वहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री जो है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1588 होम्स, और लगभग अगर हम लोग बात करें तो लगभग 650 ये आपके डैमेज हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, और 650 जो हैं और भी जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। अगर उसके बारे में बात करें तो, अगर स्ट्रक्चरल डैमेज के बारे में बात करें तो लगभग 1558 घर नष्ट हो चुके हैं, और 660 से अधिक क्षतिग्रस्त हो गए, मतलब नष्ट मतलब पूरे तरीके से डिस्ट्रॉयड खत्म हो गए हैं, और जिसमें और भी जो है 650 घर जो है वो आपके अभी नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब क्षतिग्रस्त हैं, आप उन्हें डैमेज बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इन टोटल 3.7.3 मिलियन हेक्टेयर, लगभग 17.9 मिलियन एकड़ जो है वो आपका बर्न हो चुका है, जल चुका है ऑस्ट्रेलिया के 6 स्टेट में, जिसमें आपका लार्जर कंट्रीज है बेल्जियम एंड डेनमार्क भी आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, बेल्जियम एंड डेनमार्क कंट्री भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट ऑफ NSW अगर विथ मोर 4.9 मिलियन हेक्टेयर्स, तो अगर NSW के बारे में बात करें तो लगभग वहीं पे सबसे ज़्यादा जो है आपका 4.9 मिलियन हेक्टेयर जो है ये आपका ख़त्म हो चुका है, एंड इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर उसको हेक्टेयर से हटाकर अगर एकड़ में बात करें तो यहाँ पे जो है 12.1 मिलियन एकड़ जो है वो बर्न हो चुका है। नंबर ऑफ टोटल अगर हम लोग बात करें अफेक्टेड कुड बी द हाई एज 1 बिलियन नेशनल वाइड, तो एनिमल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1 बिलियन नेशनल वाइड जो एनिमल हैं वो मर चुके हैं, और थर्ड ऑफ कोलास NSW मे हैव बीन किल्ड इन द फायर एंड द थर्ड ऑफ देयर हैबिटेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अगर हम लोग कुल जानवरों की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रभावित कुछ जानवर हैं, तो वो सारे जानवर यहाँ पे जो है मर चुके हैं। कुल जानवरों में लगभग 1 अरब देश भर के अधिक हो सकती है, और NSW ने अगर बात करें तो उसमें जो है लगभग 1/3 कोलों में आग लग गई हो सकती है, और उनका निवास स्थान जो है वो भी आपका 1/3 ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना ज़रूरी है स्टूडेंट कि NSW क्या है। तो ये जो होता है न्यू साउथ वेल्स, ये ऑस्ट्रेलियन स्टेट है NSW। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा कि ये NSW क्या है, न्यू साउथ वेल्स, तो ये जो है उन्हीं पे रिलेटेड है। तो सबसे मोस्ट अफेक्टेड स्टेट आपका NSW ही है। अब यहाँ पे अगर बोला जाए कि ये फायर कब खत्म होगा, व्हेन विल द फायर विंड्स इंड्स, तो यू कैन से दैट कि अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया जो है अपने गर्मी के बारे में केवल आधे रास्ते में है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है आमतौर पर जनवरी या फरवरी में तापमान चरण पर रहता है, जिसका अर्थ है कि देश राहत पाने से कुछ महीने दूर रह सकता है। जैसे बहुत सारे अभी तो पहला तो अभी तो दिसंबर ही चल रहे हैं, ठीक है, जनवरी है, फिर उसके बाद फरवरी आएगा, तो उस दोनों टाइम में जो होता है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो होता है हीट बहुत ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो जिसका दर्द तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अभी कुछ महीने दूर भी लग सकता है वहाँ पर टेम्परेचर और स्थिति सामान्य होने में, और आग पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो एक सालाना होने वाली घटना है, तो पूरी तरीके से वहाँ पर जो है आग समाप्त नहीं होती है, तो वो कंटिन्यूसली आपका होते ही रहता है। अगर और अगर हाल के वर्षों में अगर एक गाइड है तो वो ख़राब हो सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद एक बात करेंगे, ये आपका करेंट अफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो जे मॉर्श टनल, ये एक टनल बनाया गया है जे मॉर्श टनल, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो गवर्नमेंट जो है वो अवार्ड कर रहा है लगभग 200 करोड़ रुपये जिस किस चीज़ को कम्प्लीट करने में, जेड मॉर्श टनल, ये जो है लगभग 6.5 किलोमीटर लंबा है, और ये जो लोकेटेड है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो
तो टनल जो है वो कैपेबल है लगभग 1000 व्हीकल्स एन आवर एंड स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ पे टनल कैपेबल है लगभग इसमें जो है सॉरी 1000 व्हीकल्स जो है वो शामिल किए जा सकते हैं, और इसमें 1 घंटे में जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो वॉज प्रीवियसली इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट वॉज हाउएवर ट्रांसफर टू द ILMFS इन 2016 एंड APCO विल नाउ कम्प्लीट द बैलेंस वर्क, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका किस तरीके से काम कर रहा है स्टूडेंट्स, मीन्स सीमा सड़क संगठन की परियोजना जो है वो पिछली जो है जो प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज थी उनका जो है वो कार्यान्वयन है, ठीक है, मतलब उन्हीं के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। हालांकि इस परियोजना को 2016 में जो ILMFS में स्थानांतरित किया गया था लेकिन APCO अब से इस कार्य पूरा करेगा, ठीक है। तो APCO और PRO के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसके लिए एक और आप लोगों के लिए जो हूँ यहाँ पे एक और जो हूँ लेक्चर लेकर आऊँगा स्टूडेंट इससे रिलेटेड, राइट, क्योंकि वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो गया है तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इट इज अ ज्वाइंट, यहाँ पे सयोंग काइजिन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो है आखिर है क्या, ठीक है। तो एक और चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इट इज अ ज्वाइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड द जापान, इंडिया और जापान के बीच में ये जो है ज्वाइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, इसमें जो है ये आपका दोनों देश के जो भी बॉन्ड है जो बंधन है वो आपको और मजबूत बनाएगा। इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो आपका हेल्ड किया जा रहा है कहाँ, इंडिया में, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सियोंग काइजिन। आज का माय बेस्ट क्वेश्चन है, हम लोग बात कर रहे हैं अभी साउथ एशिया कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो आज हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। इस तरीके से आप देख सकते हैं दिस ये मेरा है भारत, प्यारा भारत, ठीक है, और यहाँ पे है आपका पाकिस्तान, इधर हो गया अफगानिस्तान, यहाँ पे ईरान, और इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज द अरेबियन सी, आप इसको समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अरेबियन सी है, इधर आपका जो है इस तरीके से आपका जो पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे चाइना आपका हो गया। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हम लोग जो अभी मैप बेस्ड जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें साउथ एशिया पढ़ रहे हैं, और इसका प्रेसिडेंट साउथ एशिया में जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आरिफ अलवी ट्रेंडिंग, और जो उसका कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद में है, वहाँ पे चलता है पाकिस्तान रुपीस। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के वो इमरान खान हैं, और यहाँ पे 19.7 करोड़ जो है वो क्या है टोटल पॉपुलेशन है 2017 के जनगणना के अनुसार। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पढ़ाई को और मज़ेदार तरीके से करते रहिए हमारे साथ मिलकर, और आप अगर अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन स्टूडेंट्स, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और आप इस चैनल को शेयर करिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है और काम आ सकता है। आप हमारे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न मेंशन जरूर करिए, और सजेशन भी मेरे को दे सकते हैं स्टूडेंट्स अगर किसी भी तरीके का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया, जैसे कि एक स्टूडेंट का आया था पहले मैं बैकग्राउंड में ब्लैक रखता था या फिर डार्क कलर रखता था, तो एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर आप बैकग्राउंड वाइट कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप सजेशन देते हैं तो मेरे को हेल्प मिलता है स्टूडेंट। तो आप मेरे को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा इस कोड को अप्लाई करके 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल नेक्स्ट। तो इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे, अनअकैडमी पे जुड़कर आप पढ़ाई को और मज़ेदार कर सकते हैं। तो चलिए आप मेरे को ये सब सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, एंड यहाँ पे जो है वो ट्विटर अकाउंट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको विद इन 12 आवर्स के अंदर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं कवर कर दूंगा स्टूडेंट। तो चलिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को और मज़ेदार तरीके से करते रहिए, एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड यू मे रीच हायर एंड हायर एंड अचीव द नोबलेस्ट एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ।
बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट स्टूडेंट्स।